हे गाइस, नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि जो जहाँ होंगे वहीं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में मैं देवरानी जेठानी के झगड़ा के अलावा, आपको सास ससुराल वालों के झगड़े के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीज़ की असलियत आपको बताने वाली हूँ कि क्या आप नहीं करेंगे तो इसमें इस दुनिया में ना जीना बहुत मुश्किल होने वाला है। और वैसी ही परिस्थिति चल रही है कि सच में आजकल ना एक एक पल मुश्किल हो रहा है जीना। तो क्या है, क्यों है, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इवनिंग का रूटीन है। आज एक नई शाम का शुरुआत कर रहे हैं और इवनिंग से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस को। आपको पता है मैं मम्मी घर गई थी छुट्टी में, वहाँ से मैं छुट्टी सेलिब्रेट करके अपना आ चुकी हूँ। तो प्रिंस होमवर्क कर रहा था तो मैंने उसको बोला कि प्रिंस मैं बिस्तर ठीक करूँगी, आप ना थोड़ा सा बिस्तर से नीचे उतर के होमवर्क करो। तो वो नीचे चला गया है और वो अभी होमवर्क कर रहा है नीचे बैठ के। तब तक मैं बिस्तर फटाफट सेट कर लूँगी क्योंकि प्रिंस की मिस ना अभी आने वाली है। तो मैं सोची कि चलो उनका आने से पहले बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ। और आज ना मैं आप लोग से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अपने लाइफ से रिलेटेड बात आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हम हाउसवाइफ ने जितना भी काम करें, जो भी कर ले, घर का पूरा दिन काम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और ये काम ख़त्म नहीं होता। तो उसी हिसाब से ना जितने भी लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, जो लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या लास्ट टाइम देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, आप लोग ना कोशिश कीजिए, अगर आपके घर के पास ज़मीन है तो उसका यूज कीजिए। अगर ज़मीन नहीं है तो छत होगा। अगर छत नहीं है आपके घर पे ना, तो हो सकता है कि आपके घर पे खिड़की होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप टेम्परेचर देख रहे हैं गाइस कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हमारे घर में तो एसी है तो चलो हमें गर्मी का एहसास नहीं होता, फिर भी किचन में तो किचन में जाने से तो गर्मी का पता चलता है, बाहर निकलने से गर्मी का पता चलता है। और एसी ना, एसी का ज़्यादा देर एसी में रहना भी ठीक नहीं है। आजकल आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे कामनी सिंह हो, निकी सुमित हो, या कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, या कोई भी बड़ा लोग हो, या आपके आसपास के एरिया में जो लोग होंगे, आजकल सभी लोग अपने घर में ना लाइट हद से ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उससे भी टेम्परेचर बढ़े हो रहा है। और पेड़ पौधे कट कट करके ना सबको, देखिए एक इंसान ना भले एक रूम में रह जाता है लेकिन सबको घर बड़ा चाहिए। तो दिन पे दिन ज़मीन की जो ज़मीन है गाइस हमारा, वो तो उस उतना ही है, लेकिन घर की संख्या बढ़ते जा रही है। तो आखिर वो कैसे बढ़ रही है? तो ज़्यादा से ज़्यादा ना पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है और वहाँ पे फ्लैट या घर जो भी है उसका निर्माण हो जा रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हो सके तो आप खिड़की पे लगाइए, लेकिन आप लोग ना एक प्रॉमिस कर लीजिए कि जितनी हाउसवाइफ, जितने लोग देख रहे हैं, वो ना 2 से 4, कम से कम 5 पेड़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर अपनी खिड़की पर ही लगाएँ। अगर ज़मीन है तो बड़ा पेड़ लगाएँ, अगर ज़मीन नहीं है, खिड़की है, तो गमला में लेकर, बाल्टी में लेकर, प्लास्टिक का जो बाल्टी टूट जाता है उसमें कहीं भी लगाइए। और यहाँ प्रिंस अपना होमवर्क कर रहा है तो मुझसे पूछ पूछ के ना करते रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको मैं बोली हूँ पढ़ने के लिए और मैं अपना काम करने बैठ जाऊँगी, काम करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए। तो ऐसे कर करके ना काम चलते ही रहता है। और ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पे ना आपको पता है मम्मी घर गई थी तो सामान को पैकिंग करके लेके जाना बड़ी बात नहीं होती, फिर उसको अनपैकिंग करना, उसको जगह पे रखना, वो बड़ी बात होती है। और बच्चे, सिर्फ मेरा बच्चा यहाँ पे खेलता नहीं, आपको पता है उसके 4 दोस्त भी आते हैं। तो घर की क्या हालत करके रखते हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा पड़ता है ना गाइस, सारे मम्मी पापा तो अपने बच्चों को मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं यहाँ पे खेलो, तुम लोग मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, बच्चे जब शाम को खेल के चले जाते हैं तो फिर से मैं सब कुछ सही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सोफा वगैरह सब कुछ ठीक कर रही हूँ और इसको ठीक करने के बाद से कपड़े को सब ना तह लगा के रख लूँगी और 1 by 1 करके ऐसे करके मेरा इवनिंग का भी काम हो जाता है। तो आप लोग कैसे करते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आप देख रहे हैं ना सचिन मनीषा के घर में आजकल प्रिंस का जो मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या बोला जाए। आज मुझे प्रिंस का ना एक बात पे इतना हंसी आई है गाइस कि उसने एक बात बोला, आप जाकर उसका वीडियो देखिएगा, कि हमारे घर में मतलब काम ख़त्म ही नहीं होता, घर बनते ही रहता है, शादी से पहले घर बनता है, शादी के बाद में बनता है। तो प्रिंस राज एंड मॉम चैनल पे वाला ना वीडियो डाला, इतना हंसी आया मुझे उसका ये बात सुनकर, फर्स्ट टाइम मुझे हंसी आया है। आप मेरा घर देख सकते हैं, सोफा वगैरह सब कुछ हो गया है ऑर्गेनाइज, और जितने मेरे कपड़े होते हैं ना जो मैं धो के रखी हूँ लॉन्ड्री बैग में, आप देख सकते हैं वहाँ पर मैं धो के, सारे मेरे धोए हुए कपड़े हैं। मम्मी घर से आने के बाद से मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज किया था और सब कुछ मेरा हो गया है क्लीन। तो अभी प्रिंस को यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, कैसे मेजरमेंट किया? ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है, इंची स्केल से होता है, सीखो। मालूम है, लेकिन हाथ से करना है। नहीं, हाथ से नहीं करना है। ये देखो तो, एक बार पूरा यहाँ से यहाँ साइज करो कितना है, देखो यहाँ से ये कितना इंच का है, यहाँ तक पूरा 12 है, तो 15 है, 15 जा 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 पकड़ो यहाँ पे स्केल,
यहाँ 15 पे डॉट लगाओ, डॉट लगाओ। बस बस 15 और यहाँ पे कितना है देखो तो 5 है। हाँ 5 डॉट तो 20 हो गया ना टोटल, तो इसका आधा कितना होगा 10। बस 10 इंची पे टान दो, 1 2 3 4 5। हाँ 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 बस रुको, अरे रुको ऐसे नहीं, यहाँ लो। हाँ स्ट्रेट लाइन टानो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि प्रिंस को लाइन टानना, उसमें उसको क्या क्या DVD पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये सब बनाना है, तो प्रिंस बना रहा है तो उसको मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मतलब मेरा हेल्प को उसको ज़रूरत है, तो मुझे मैं लेके बैठ गई उसको फिर पढ़ाने, क्योंकि ये सारे चीज़। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं कैसा बनाई हूँ। तो आप देख सकते हैं ये DVD है, DVD लग रहा है इसमें, सॉरी CD है, कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। और ये जो मैं कलर कर रही हूँ ये क्या है, आप इसको भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी चीज़ में उसका स्कूल का काम है, प्रोजेक्ट कॉपी में मिला हुआ था, तो ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस बच्चों को पढ़ना बड़ा बात नहीं, उनके सामने हमें भी पढ़ना बैठना है। और अब उसकी मिस आ गई है, प्रिंस कर रहा है पढ़ाई, तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ किचन में पराठा और साथ में बना रही हूँ चाय। किस किस को पराठा और चाय पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पराठा और चाय और साथ में बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी ट्राई करके देखिएगा ज़्यादा। और मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना मैं काम कर लेती हूँ, और कपड़े को तह लगाना भी भूल गई हूँ क्योंकि मिस आ गई हैं, तो मैं बाद में कर लूँगी। और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग गाइस, तो प्लीज़ आप लोग ना पेड़ लगाना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय कितना टेस्टी दिख रहा है, तो मेरा चाय बन रहा है और सब्जी भी ऑलरेडी मैं बना के एक कटोरा में खाली कर चुकी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इससे मुझे इजी लगता है काम, और साथ में बना रही हूँ रोटी के नॉर्मल ही पराठा बना देती हूँ, ऐसा पसंद आ जाता है प्रिंस को। तो कभी कभी अलग अलग तरीके से इंसान को बनाना चाहिए। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो हे गाइस कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको भी लगता है कि सचिन और प्रिंस के घर में जानबूझ के कंट्रोवर्सी किया जा रहा है, या सच में कंट्रोवर्सी हो जाता है उनके घर में, और कौन सही है कौन गलत है, एक बार कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।